जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ आज पटना के दुकान में घूम घूम कर दुकानदारों से चाइनीज सामान नहीं बेचने का आग्रह किया। पप्पू यादव ने कहा कि चाइना ने पहले कोरोना वायरस फैलाया और हाल में ही चीन और भारत की सीमा पर जिस तरह से विवाद हुआ उसमें बिहार रेजिमेंट के जवानों ने शहादत दी। अब समय आ गया है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देने का। भारत में चीनी सामान काफ़ी संख्या में बेची जाती है और एक बड़ा व्यापार भारत के साथ होता है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए और यह शुभ कार्य बिहार से ही शुरू होना चाहिए। पटना से C24 लाइव के लिए संवाददाता रंजीत कुमार की पूरी रिपोर्ट। बिहार रेजिमेंट के साथ खूनी खेल खेला है, हमारी आत्मा पर चोट किया है, मेरे ही पैसे से हमें मारा जाता है। हमारे देश में कुछ दलाल हैं जो चाइना कॉन्ट्रैक्टर को बढ़ावा देते हैं और हमारी सरकार 16 घंटे के बाद चुप है और छिपा रही है कि कौन सी घटना घटी, कितने लोग मरे। इस कारण से हमने अपील किया है दुकानदारों से कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करें और उसको ना बेचें। आगे भी सर जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, कोई उसमें समझौता नहीं होगा।